हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो आज मैं आपके सामने कोई खाने बनाने का वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपको अबाउट चॉकलेट के बारे में बताने आई हूँ। वैसे तो मैंने चॉकलेट के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन वो मैंने सारे ही कंपाउंड चॉकलेट के किए हैं। आज मैं आपको कंपाउंड और कवरेचर चॉकलेट में डिफरेंस है वो बताऊंगी। मार्केट में दोनों ही तरह की चॉकलेट के बहुत सारे ब्रांड है वो अवेलेबल हैं। यदि हम कंपाउंड चॉकलेट की बात करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है, जिसमें एक है मोर्डे। तीन तरह की चॉकलेट्स आती है, वाइट आती है, मिल्क आती है और डार्क आती है। और ऐसे ही प्योर चॉकलेट, जिनको कवरेचर चॉकलेट भी कहते हैं, इनके भी बहुत सारे ब्रांड है वो अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ चिप्स के शेप में आते हैं। उसी तरह एक है 1 for 10। ये मेरे पास डार्क चॉकलेट का स्लेब है, ये मिल्क चॉकलेट का है और इसका वाइट भी लॉन्च हो गया है। तो मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में आपको नहीं बताने जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताने जा रही हूँ। तो कंपाउंड चॉकलेट है ये क्या होता है, इसमें वेजिटेबल फैट होता है, मेनली वेजिटेबल फैट इसमें रहता है, जिसके कारण ये हमें मेल्ट करते ही इसको कोई टेम्परिंग की जरूरत है वो नहीं होती है। आप जब इसमें देखोगे तो शुगर है, वेजिटेबल फैट है, मिल्क सॉलिड है। तो इसको हमें गर्म किया और ये हमें चॉकलेट बनाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये जो कवरेचर चॉकलेट होती है इसमें वेजिटेबल फैट नहीं होता है, इसमें रहता है कोको बटर। तो जैसे ये कोको बटर इसमें है 46.5%, तो इसी तरह हर का अलग अलग होता है, इसमें 35.6% है। इसी तरह विभिन्न चॉकलेट में कोको जो है उसका अलग रहता है कंटेनर वो। तो इसे हमें क्या होता है, टेम्पर करने की जरूरत रहती है। और जैसे कि कोको बटर मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, उसी तरह इसकी चॉकलेट की भी, ये चॉकलेट भी कॉस्टली हो जाती है और मेल्ट इन माउथ रहती है, और इसको हमें टेम्पर करने की भी जरूरत रहती है। ये जो चॉकलेट है ये हमें टेम्पर नहीं करनी होती है, इसको पिघलाया और ये तैयार है, जबकि इसका एक टेम्परिंग प्रोसेस होता है, एक निश्चित डिग्री तक इसको ले जाना होता है और फिर इसको कूल डाउन करना होता है, तभी हम इस पे वर्क है वो कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कवरेचर चॉकलेट के बारे में, इसमें कौन से मोल्ड यूज होते हैं, टेम्परिंग के बारे में मैं आगे और भी वीडियो अपलोड करती रहूंगी। तो आप मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।